हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है कल की बात आज, यानी कि आप सब लोगों का फेवरेट एपिसोड जिसमें मैं एडवांस प्रेडिक्शन करता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी की। यानी कि आज ही डिस्कस कर लेंगे कि कल वेडनेसडे को क्या हाई बनाएगा, क्या लो बनाएगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या सपोर्ट होगा, और मजे की बात कौन सा एरिया डिमांड जोन है और कहां पे आपको सप्लाई जोन दिखने वाला है आज मैं आपको एडवांस में दिखा दूंगा। और कल मार्केट उसी लेवल पे कबड्डी कबड्डी खेले के डांसिंग टू किंग रिसर्च ट्यून। तो रेंज में आज मार्केट पूरा दिन फंसा रहा, लेकिन आपने नोटिस किया कल जो मैंने लेवल्स दिए थे एग्जैक्ट उसी रेंज में मार्केट रहा कि ना ऊपर ना नीचे, एग्जैक्ट लक्ष्मण रेखा इसी के अंदर कबड्डी कबड्डी खेलता रहा, हिल के नहीं दिया। फिर मैं बोलूंगा वेडनेसडे को कुछ तो बड़ा तांडव होने का, प्लीज लेवल्स को ध्यान से समझिएगा, लॉजिक समझने की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये वीडियो में मैं सिर्फ आपको सिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी से अच्छा पैसा बनता है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पे आप मोटा पैसा बना सकते हो। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं पर्सनली भी इन लेवल्स पे काम कर सकता हूं और मैं अपने क्लाइंटों को भी करवा सकता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रेंज में ट्रैप 546 एपिसोड नंबर 225 की एनालिसिस करने वाला है कल की बात आज। चलिए आसान शब्दों में समझ लेते हैं, ये है आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम। मैं लगा देता हूं निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। गाइस अगर आपको कल याद होगा मैंने आपको बोला था 17,947 इसके नीचे आएगा तो बिंदास सेल करेंगे। रिजल्ट आपके डे बिफोर यस्टरडे आपको पता है, यानी कि कल आपने देखा मार्केट ने कबड्डी कबड्डी खेला और नीचे 827 का टारगेट दिया था, वो भी अचीव हुआ। और फिर उसके बाद कल मैंने रात को 9 बजे के आसपास आप लोगों को लेवल्स बताए थे कि बॉस एक रेंज 947 का ऊपर और 827 का नीचे। आज भी देख लो मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद पहले ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं ऊपर आने की कोशिश करी, बट हमारा रेंज टस से पस नहीं हुआ। जहां एक बार लाइन खींच दी, लक्ष्मण रेखा खींच दी, वहीं से मार्केट डांस ट्यून किया दोबारा। एग्जैक्ट कल दोबारा इसी जगह पे रिस्पेक्ट किस किया, किस करने के बाद दोबारा ऊपर आया, दोबारा शाम को जाते जाते आज 3:30 बजे के आसपास दोबारा उस जगह पे किस करने के बाद मार्केट ने हल्का सा ऊपर की तरफ क्लोज किया। तो सर आप सोचो मुझे कैसे पता कि भैया यही इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये टूटेगा तभी पैनिक आएगा, अगर ये टूटेगा तभी बाइंग आएगा, तब तक कुछ नहीं करना है। एग्जैक्ट पिन पॉइंट, आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। ये एनालिसिस, ये सीक्रेट टेक्निक मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, मेरा तो बेनिफिट हो रहा है, आप लोगों को भी लाखों रुपए की चीज फ्री में देना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं सर आप जाके चेक करना, बहुत सारे लोग कहते हैं सर फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, फ्री की वैल्यू नहीं होती। मैं चाहता हूं कि सर आप इसको वैल्यू करें, भले ही मैं फ्री में दे रहा हूं, चाहूं तो सर मैं महीने भर का 1 CR के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कल की बात आज पे कमा सकता हूं। 1 CR के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कल की बात आज कमा सकता हूं। मेंटरशिप प्रोग्राम मैं भी चालू कर सकता हूं कि चलो एक मेंटरशिप प्रोग्राम करते हैं चालू, जहां पे मैं आपको एजुकेशन दूंगा, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा और किस तरीके से कल की बात आजकल हमको हेल्प के मार्केट में सेटअप बनेगा वो मैं आपको सिखा सकता हूं। और उसके भी मैं आप लोगों से ज्यादा नहीं, अगर 3,000 रुपए भी चार्ज कर रहा हूं, एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको इंपॉर्टेंस बनाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप कर देंगे, मेरे भाई समझना, ये मैं आपको फ्री में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप मेरे अपने हो। मैं चाहता हूं कि आप इन लेवल्स को फॉलो करो, समझो, सीखो और सीख कर फिर आगे बढ़ो। अगर सर मैं ज्यादा नहीं 3,000 रुपीज भी चार्ज करता हूं और ज्यादा नहीं 10,000 लोग भी मेरे साथ जुड़ जाते हैं, नाउ यू कैन चेक 3 करोड़ रुपए होते हैं महीने का, 3 करोड़ रुपीज। क्या आप मुझे बताओ ये कल की बात आज है नहीं इतने पावर है कि नहीं है इतने पावर कि आप मुझे सिर्फ 3,000 रुपए में आपसे मांग रहा हूं, सिर्फ 3,000 रुपए आप मुझे देने को रेडी हो कि नहीं है। इवन 10, 15, 20, 25, 30, 40 इस तरीके के लेवल्स में 50,000 रुपए भी मांगूंगा तो भी आप लोग देने को रेडी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पे 10,000 लोग आएंगे, कम से कम 1,000 लोग तो मेरे साथ जुड़ेंगे, तो सोच के देखो कितना बड़ा कैलकुलेट होता है। तो अगर मैं छोटा कर दूं 2, 3, 4, 5 हजार में और महीने का पूरा सपोर्ट, पूरा मेंटरशिप, सब चीज आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री लर्निंग मात्र 3,000। चलो अगर 10,000 भी छोड़ो, मान लो एक फिगर इंटू कितना कर दूं, बताएं आप कितना कर दूं, 2,000 लोग आ जाए, 60 लाख रुपए होते हैं सर मात्र 2,000 लोग आ गए तो। और मेरी कल की बात आज को 20,000 से ज्यादा का व्यूज आ रहा है डेली बेसिस पे, कंसिस्टेंटली ये लेवल्स आते हैं, कमेंट्स 500-700 कमेंट्स मेरे को हमेशा आता है।
अब आप बताओ 60 लाख रुपए की चीज जो महीने भर की चीज है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मात्र 2000, अगर 10000 की बात कर लूं जो मैं बिलीव करता हूं सर कहीं नहीं भी, तो कम से कम 5000 लोग इस लेवल से जुड़ने वाले हैं। और अगर 5000 लेवल की मैं कैलकुलेट करूं सर, देख लो 3000 जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, ना ज्यादा ना कम, 1.5 करोड़ रुपया महीना छाप सकता हूं। क्या बोलते हो स्टार्टअप कैसा है 1.5 करोड़ रुपए, और इंटू 12 कर लूं तो कितने है 18 करोड़ रुपए साल का मैं छाप सकता हूं, 18 करोड़ रुपीस साल का मैं छाप सकता हूं। वेट वेट, 18 करोड़ रुपीस मैं साल का छाप सकता हूं, बट स्टिल ये वर्थ की रुपीस की चीज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, 10 दिन कम से कम फॉलो करो, पेपर में नोट करो, नोट करने के बाद पेपर ट्रेड करो, 10 दिन अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगाओ और जो बोला गया है जो बताया गया है उसके ऊपर फोकस करके अपने एडवाइजर डिस्कस करने के बाद इसमें ट्रेड करने की कोशिश करो, देखो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 18 करोड़ की चीज आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, 18 करोड़ छोड़ दो, 10 करोड़ की चीज छोड़ दो, 1 करोड़ की चीज तो मानोगे साल भर में 1 करोड़ तो मैं कमा सकता हूं उस लेवल से, छोड़ दो। सिर्फ रिक्वेस्ट है, क्योंकि किसी ने मेरे से आज डिस्कस करा सी मेरे दोस्त ने कि यार क्यों ये चीज दे रहा है इतना सस्ते में, मतलब फ्री में क्यों दे रहा है, लोगों को वैल्यू नहीं होती है फ्री में, लोग समझते नहीं है, लोगों को अगर फिर चार्ज कर लेगा तभी तेरी वैल्यू होगी, तभी तेरी कीमत होगी, तभी लोग तेरे को समझेंगे, जब तो इसको चार्ज कर दे। और मैं तेरे को बताता हूं एक अच्छी स्कीम, इस स्कीम पे अगर तू 3000 रुपए भी चार्ज करेगा और तेरे पास 5000 लोग भी आ गए तो भी तू एक मोटा अच्छा हैंडसम पैसा कमा सकता है, और हैरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको लेवल्स देने हैं और लेवल्स के ऊपर आपको एनालिसिस बतानी है, लॉजिक बताना है, ट्रिक समझाना है, स्ट्रैटेजी समझानी है। हर महीने बंदा आपको जुड़ेगा और हर महीने आके एक्टिव ट्रेडर आपसे एक्टिवेट रहेगा, मजे की बात है यहाँ पे एक्टिव रहेगा। बट स्टिल मैंने उसको बोला नहीं भाई ये लेवल सिर्फ और सिर्फ प्यार कमाने के लिए रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग का आशीर्वाद कमाने के लिए रहा हूं, इससे मुझे चार्ज नहीं करना है। बट अगर आप लोग का आशीर्वाद नहीं मिला फिर इसलिए प्लीज इसको बहुत मेहनत लगती है सर, बहुत मेहनत लगती है, हलवा नहीं है स्टॉक मार्केट, आपको ही पता है, ऐरे ही कोई भी नहीं कमा सकता स्टॉक मार्केट में, आपको पता है 5% लोग मात्र कमाते हैं स्टॉक मार्केट में, जिसमें मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी उस 5% जो लोग कमा रहे हैं उस कैटेगरी में आ जाओ किंग रिसर्च को फॉलो करके। तो ये मेरा आज मैसेज, आज डिस्कशन हुआ, अच्छा लगा तो मैं सोचा आपसे शेयर कर दूं। कई लोगों को लगता होगा यार ठीक है कल की बात आ गया देख लिया, नहीं मेरे दोस्त, आपका एक लाइक एक कमेंट बहुत मोटिवेट करता है। लोग चार्ज कर रहे हैं सर और ऐसे लेवल्स अनबिलीवेबल, आपको भी पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने कल बताया एक रेंज ये और ये, आज मार्केट उसी रेंज में कबड्डी कबड्डी खेली, कुछ भी नहीं कर रहा था, मेरे लेवल सेम रहेंगे जो मैंने कल दिए थे। सो जो लोग अगर वीडियो को भगा भगा के देखना चाहते हो तो 1.25 या 1.50x में कर लो, 1.25 कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा है। तो अगर 17,947 के ऊपर मार्केट जाता है, इसके ऊपर जाता है, तो मेरा टारगेट 18,127 का है और इस रेंज में आपको दोबारा सेल करने का सोचना है। ये जो आने वाले 2-3 दिन के अंदर मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी बाइंग ऑन डिप, यानी कि लोअर लेवल पे आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, आपको थिंक फॉर द बाइंग, ओनली थिंक फॉर द बाइंग, दैट्स ऑल। अगर मार्केट में कल पैनिक आता है, मान लो जो आज ये बार बार इसी जगह पे टप्पा खा रहा था एक, ठीक है आप देखो बार बार टप्पा खा रहा था, कल यहां से पैनिक आता है तो 827 के नीचे 15 मिनट सस्टेन करेगा, बिंदास सेल कर लीजिए। 17,747 का पहला टारगेट, 17,670 का दूसरा टारगेट है और इस जोन में मैं सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने का सोचने वाला हूं। अब बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं मेरे दोस्त। बैंक निफ्टी एनालिसिस क्या है कि आपको याद होगा कल मैंने बैंक निफ्टी का भी बताया था और कल से पहले भी मैंने आपको क्लियर कट बोला था 41,256 के नीचे बिंदास सेल करेंगे। आपको पता है 600 पॉइंट्स का हमारा टारगेट जो था पहला आ गया और जो लक्ष्मण रेखा 2-3 दिन पहले ही खींच दिया था, कबड्डी कबड्डी देखो उसी लक्ष्मण रेखा में आज इसने खोला है। मार्केट यहाँ खोली, लोगों को पैनिक करने की कोशिश करी, उठाया वापस इसी जगह पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। देखो रिस्पेक्ट बोलते हैं इसको, इज्जत देना बोलते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी भी खुद किंग रिसर्च को
सैल्यूट मार के जा रही है, रिस्पेक्ट करके जा रही है, प्रूव आपके सामने, प्रूव आपके सामने। कुछ लोगों ने, हो सकता है यहाँ पे आपने ट्रैप ट्रेड किया हो, क्योंकि 10-15 मिनट का सेटअप मैंने बोला था इसके नीचे आएगा तो बिंदास सेल करेंगे। मैं अगेन बोलूंगा आपने यहाँ पे ट्रेड भी किया होगा और ट्रेड करने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा पैनिक किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा एक ये पावरफुल स्टॉप लॉस बन गया था जो कि इस हाई को मैं कंसिडर करता हूँ कायदे से। लेकिन उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने लगे और घूमने लगे तो मैंने कहीं ना कहीं देखा कि यार ये एक पावरफुल, कौन सा, एक पावरफुल रिजेक्शन जोन था। और जैसे ही इस सप्लाई को रिजेक्ट किया तो मैं कहीं ना कहीं यहां पे पतली गली से निकलने की कोशिश करूंगा, यानी कि छोटा सा लॉस बुक करने की कोशिश करूंगा। तो नो डाउट आज जो लोगों ने स्मार्ट खेला होगा यहां पे वो निकल गए होंगे, स्टॉप लॉस को फॉलो करके निकल गए होंगे और इसके नीचे बिंदास सेल करूंगा। तो मैं अपने लेवल्स दोबारा चेंज नहीं कर रहा हूं, वेडनेसडे के लिए भी सेम लेवल्स है। अच्छा, साथ ही साथ एक और पैटर्न बन रहा है देखो इस हाई का ही। तो कल अगर मार्केट में तेजी आती है, मान लो बाई चांस इसके ऊपर जाता है, तो हो सकता है ये ऐसे जाके फिर ये यहां तक ही जाए, ये मैक्सिमम टारगेट होगा इसका। और 41,256 के ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन कर जाए, 41,256 के, ध्यान से समझो क्या करना है कल, ये उन लोगों के लिए है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो करता है। तो मैंने ट्रेंड लाइन खींच दिया, हो सकता है ये ब्रेकआउट करे तो यहां तक जाएगा, ठीक है। बट कल की बात आज जो मैं बताना चाहता हूं, मेरे दोस्त 41,256 इस जोन में आपको कुछ नहीं करना है, दैट्स ऑल। 41,256 के ऊपर जाएगा तो मैं बिंदास बाइंग करूंगा, 41,656 का पहला टारगेट होगा, 41,856 का दूसरा टारगेट होगा एंड सिट रिलैक्स। और इस जोन में मैं सेल करूंगा, यानी कि 41,856 के रेंज में मैं सेल करने की कोशिश करूंगा विद टाइट स्टॉप लॉस जो रहेगा 42,456 एंड 256 का, हमारा ये जोन स्टॉप लॉस रहने वाला है, क्लियर। तो प्लीज 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 41,256 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही बनेंगे पहला दूसरा टारगेट्स के लिए। और जो थोड़ा सा सेफ रिस्की खेलना चाहते हैं या फिर जिनको ट्रेंड लाइन का पता है, तो ये एक ब्यूटीफुल एक ट्रायंगल बन रहा है। कमेंट सेक्शन बताना ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, सो दैट मुझे भी पता चले आपको क्या नॉलेज है, आपने कितना सीखा हुआ है और सीखने को भी मिलेगा, सो दैट मैं कल बताऊंगा कि ये कौन सा ट्रायंगल, कौन सा पैटर्न बना है। तो ये जो ट्रायंगल, ये जो भी पैटर्न बन रहा है, तो प्लीज मुझे आप बताइएगा जरूर कि ये सिमेट्रिक है, असेंडिंग है या डिसेंडिंग ट्रायंगल है। तो ये मुझे तीनों में से तीन ऑप्शन दिए, इनमें से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। अच्छा, ये जाएगा तो आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। बट अगर 40,656 का नीचे ब्रेक करता है तो मेरा पहला टारगेट 40,256 और दूसरा टारगेट 39,856 है। और इस जोन में आपको बाइंग करने का सोचना है, एक ही स्ट्रैटेजी, बाइंग ऑन डिप, एनी लोअर लेवल, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग करने का सोचना है, ये स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी। अब जो राइटर्स है उनके लिए बता दूं, मेरे दोस्त आपको ऊपर का जोन मिल गया है, नीचे का जोन मिल गया है, अब आप स्मार्ट हो, एक्सपायरी आ रही है, अब आपने अपनी स्ट्रैटेजी निकालनी है, जो भी आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी है, जो भी पिटारे में, बिकॉज आई एम अ बिग जीरो इन ऑप्शंस राइटिंग, तो इसलिए मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे यह पता है कि आप लोग डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल खेलते हो, तो मैंने आपको बता दिया एक जोन, आज ही आपने ट्रेड किया होता है इस जोन में निफ्टी बैंक निफ्टी में तो भी पैसा बनाया, कल भी दे रहा हूं, परसों भी दे रहा हूं, 10 दिन राइटर्स कम से कम फॉलो तो करो। जहां आप 1-2% कमा रहे थे, मैं आपको कह रहा हूं 4-8% तक कमाने का आपको मौका है, सिर्फ और सिर्फ कल की बात आज को फॉलो करके, ठीक है। तो ये लेवल्स है मेरे आप लोगों के लिए। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर एक नो लॉस बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजी दी है, देखिए 100% कुछ नहीं होता है, आज इसमें लॉस हुआ है, कल इसी स्ट्रैटेजी में 20,000 के ऊपर प्रॉफिट हुआ था, तो मैं अपनी 100% ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे लॉस ऑफ प्रॉफिट हो, पार्ट ऑफ द गेम, इंपॉर्टेंट क्या है, कंसिस्टेंसी। आप पूरे महीने इस सेटअप को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आप नो लॉस में रहने वाले हो, यानी कि प्रॉफिट में ही रहने वाले हो। नो ब्रेन स्ट्रैटेजी जो कि हमारा ऐप में है, गाइस बंधन बैंक आया, स्टॉप लॉस है, यानी कि 3,600 रुपए का चिंदी सा स्टॉप लॉस है, एक लॉट के हिसाब से दे दो यार मार्केट को, जरूरी नहीं कि रोज आपको पैसा मिलेगा, किस दिन स्टॉप लॉस भी होगा, टारगेट होगा, बट आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है और अपने सेटअप के ऊपर बिलीव करना है और उस सेटअप को बैकटेस्ट करना है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉम्बो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, गाइस आपको पता है कॉम्बो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी आज एक्टिवेट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आज चिल मारो यार, जरूरी नहीं है। अब कल की बात, आज भी एक्टिवेट नहीं हुआ, कॉम्बो भी नहीं हुआ, जिस दिन दोनों कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो गया डेडली, क्या आपको कॉम्बो स्कैल्पिंग चाहिए? फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रैटेजी जो कि स्कैल्पिंग के लिए काम करता है और 100-200-300 पॉइंट तक निफ्टी में देता है, 100-200-500-1000 पॉइंट तक बैंक निफ्टी के अंदर वो निकाल के देता है। सिंपल सेटअप, फोर्थ स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी उस सेटअप को सीखकर पैसा बना सकता है। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे चार्ज नहीं मांगने वाला हूं, बस मैं आपसे बोलूंगा कम एंड ज्वाइन आवर एक एल्गो क्लब जहां पे हम एजुकेशन देते हैं,
उसकी एंट्री एक छोटी सी कंडीशन है, अगेन पैसे नहीं मांग रहा हूं, उसकी कंडीशन सिर्फ आपको हमारे साथ अकाउंट ओपन कराए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कर लीजिए और एक ट्रेड लेने के बाद हमारी टीम को अपडेट करिए, आपको हम उस ग्रुप में डाल देंगे और वहां पे आपको कॉम्बो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सीखोगे नहीं आगे कैसे बढ़ोगे। और यह स्ट्रैटेजी आप अपनी वाइफ को भी गिफ्ट कर सकते हो, यह स्ट्रैटेजी आप अपने दोस्त को गिफ्ट कर सकते हो, यह स्ट्रैटेजी आप अपने किसी भी जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में है, जो भी लोग स्टॉक मार्केट की दुनिया में ट्रेड करते हैं, मैं जरूर बोलूंगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जबरदस्त स्ट्रैटेजी, माइंड ब्लोइंग सेटअप। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 1 तारीख से आप लोग मुझे लाइव ट्रेड करवाओगे, मैं नहीं करने वाला। उस सेटअप में आप लोग मुझे बताओगे 1 तारीख से हम लोग लाइव आएंगे। कितने लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कॉम्बो स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, बैकटेस्ट करो, अच्छे से समझ लो, एक एक लॉट में तैयारी कर लो, 1 तारीख से आते हैं, मैं अपना क्वांटिटी बताऊंगा, आप मुझे ट्रेड करवाओ। आर यू रेडी? चलिए, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। जय माता दी।